नमस्ते नमस्ते चंद्रकांता जी, और मैडम। सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में। आज हम क्या करेंगे कि जो श्लोक हम बहुत ही गिने चुने श्लोक लेने वाले हैं आज के फेलोशिप में समझाने के लिए, तो हम पहले वो सब बोलते हैं और उसके बाद हम फेलोशिप मतलब उसको समझाना मैं शुरू करती हूँ। बिकॉज बहुत ही गिने चुने एक 8 या 10 ही श्लोक हम लेने वाले हैं आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में। सो अगर आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं तो बोलिए। अच्छा श्री परमात्मने नमः। हम दूसरे अध्याय पर है, इस श्लोक से शुरू करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितहां वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरां जन्म कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानांतया परुचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिस्समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदान् निस्त्रैगुण्योपपार्थना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समर्थय योग उच्यते। हमने अब तक के भागों में ये देखा है कि धर्म क्या है, मेरा आत्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर नहीं होता है, हमारा आचरण कुछ अलग ही होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जानते हुए भी हम लोग पाप करते हैं। व्हाई डू वी सिन, ये आज का टॉपिक है कि हम पाप क्यों करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हमें सब मालूम है क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरा धर्म क्या है और अधर्म से चलना बुरा है, ये भी हम जानते हैं। हमारे आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूँ। फिर भी हम सिन क्यों करते हैं, फिर भी हम क्यों पाप करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो बताया है यहाँ पर इसके आगे, वो ऐसा है कि जैसे हम अर्जुन को, जैसे गीता में हमने देखा है कि अर्जुन बहुत शोक की अवस्था में था। वो बोल रहा था कि मेरे अपने लोगों को मैं नहीं मार सकता हूँ, इससे मुझे पाप लगेगा, मेरे कुल को पाप लगेगा, उसका कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसा करके वो खुद के जो विचार है, खुद का जो एक ओपिनियन है, उसको जस्टिफाई कर रहा था ऑल द टाइम। तो कृष्ण ने उसे समझाया, पहले बताया कि आत्मा क्या है, फिर बताया कि धर्म क्या है। उसके क्या बाद उन्होंने बताया कि धर्म के साथ या फिर सत्य के साथ हम क्यों नहीं जाते हैं, हम क्यों सिन करते हैं, क्योंकि तुम जो अभी मेरे साथ एक डिबेट कर रहे हो कि मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ ये लड़ाई, तो इसके पीछे ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, अज्ञान है। ये जो है केवल चतुराई है, हाँ, ये केवल क्लेवरनेस है आपका। मतलब आप वेदों का या फिर बड़े बड़े पंडितों का संदर्भ देते हो, कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो उनके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपके बातों में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। सो संभल जाओ अर्जुन, संभल जाओ। और फिर आगे बोलते हैं कृष्ण कि जब हम ऐसे वेदों का, मतलब ये जो लोग है जो चतुराई से अपना जो पॉइंट है, अपना जो ओपिनियन है, वो जस्टिफाई करने लगते हैं, तभी वो वेदों का, किसी शास्त्रों का,
आधार देते हुए कहते हैं कि आपको आपको अगर कुछ चीज चाहिए जीवन में, सुख चाहिए, तो आप इस देवता को प्रसन्न करो, ये मंत्र पढ़ो, ये पूजा करो, ये शांति करो, ऐसा बोलते हैं। ओके, क्योंकि हमेशा मनुष्य अपनी जो इच्छाएं हैं उनको प्राधान्य देने देने के पीछे है, तो उसकी वजह से, इच्छाओं की वजह से हमारे ओपिनियन को ही सच साबित करना, इसके पीछे मनुष्य लग जाता है, और इस कोशिश में वो ये भूल जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसे लगने लगता है कि मेरा जीवन जो है उसका उद्देश्य है कि ये जो ऐश्वर्य है, ये जो सुख है, ये जो फिजिकल प्लेजर्स है, ये जो इमोशनल प्लेजर्स है, उनका अनुभव लेना, उनको प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य को लगने लगता है। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से हमारी बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन ये बुद्धि केवल स्वार्थ के लिए काम करती रहती है, क्रिया आवाज विशेष बहुलाम, मतलब वो अनेक तरीके से बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें से जो चीजें बाहर आती है वो केवल हमारे शारीरिक सुखों की या फिर इमोशनल सुखों की चीजें ही वो बनाता है, और उनको उपयोग उनका उपयोग भी मनुष्य करते रहता है। तो कृष्ण ने बताया कि वेदों में तीन गुणों का विवरण है, कि तीन गुण होते हैं, एक होता है सत्व, रज और तम गुण। ओके, तो तो सात्विक गुण जो है वो कीर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, राजसिक गुण पैसे जो है ये कंचन के साथ मतलब पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, के तामसिक गुण जो है वो काया के साथ मतलब साथ। फिजिकल प्लेजर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों गुण जो है ये आपको जकड़ने वाले हैं, ऐसा वेद कहता है, और वेदों में भी ये लिखा है कि इनके आगे चलना मतलब इन तीन गुणों से भी परे होना, ये है हमारा कर्तव्य, यह है हमारा धर्म, और इसी प्रकार हमें हमारे बुद्धि को अप्लाई करना चाहिए। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, मतलब किसी भी गुण के साथ चिपक के रहना ये आपको नहीं करना है, ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेदों में जो बाकी चीजें लिखी है इसका आप केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हो। सो कम बैक अर्जुन, कम बैक टू योर सेंसेस, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे बुद्धि का प्रयोग तुम किस लिए कर रहे हो। और ये करते हुए तुम ये भूल जाते हो कि जब आप सुखों को पाने की कोशिश करते हैं, तभी आप किसी देवता को जब प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, तभी वो देवता भी आपको यही बोलता है कि ये सुख है, ये थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है, आपको इससे भी बड़ा गोल रखना चाहिए जीवन में कि मुझे परमात्मा के साथ एकरूप होना है, ऐसा वो देवता भी कहती है। तो फिर आप क्यों किसी छोटी छोटी चीजों के लिए देवताओं के पास जाते हो, बड़ी चीज के लिए देवता के पास जाओ कि मुझे आपका साक्षात्कार करवाना है मेरे जीवन में, इसीलिए आप जाओ, तो फिर आप क्या होगा, आपका जो कर्म है वो धर्म का कर्म होगा, आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चल सकते हो। और इसी प्रकार जब आप इस मार्ग पर चलते हो, तभी आप कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब ऐसा है कि अर्जुन, कर्म करने का अधिकार, कर्म करने का स्वातंत्र्य तुझे है, लेकिन इस कर्म से जो फल मिलने वाला है, इसका जो रिजल्ट है, ये तेरे हाथ में नहीं है, इस पर तेरा अधिकार भी नहीं है, और इस पर तेरा स्वातंत्र्य भी नहीं है, ये तेरे अधिकार से परे है। इसका मतलब क्या होता है कि आप वो जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो वो तो आपको करना ही है, उससे आपको छुटकारा नहीं, क्योंकि कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो वो भी अकर्म माना जाता है। सो आप कर्तव्य कर्म करते रहो, धर्म के साथ चलते रहो, लेकिन इस कर्म करने से मुझे ये फल मिलेगा, इसलिए बहुत मोटिवेटेड रहना, या फिर कितना भी करो मुझे नहीं मिलता है जितना सुख चाहिए, इसलिए वो कर्म को नहीं करना मतलब अकर्म करना, ये दोनों भी गलत है, ये दोनों भी अज्ञान के लक्षण है, ये अयोग्य है। हम बोलते हैं कि आज का टॉपिक है कि व्हाई डू वी सिन,
पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य क्या है बेसिकली? पाप और पुण्य, पाप मतलब पुनः पुनः वापिस वापिस उसी दुख में जीते रहना, और उसके लिए जो कर्म करते हैं उसे पाप करना कहते हैं। और पुण्य मतलब क्या है कि वापिस से उस चीज के बारे में आप दुख नहीं करोगे, ऐसा कर्म करना यह है पुण्य कर्म सेम करना। ओके, सो ये जाता है अयोग्य और योग्य के साथ, जैसे हम अयोग्य और योग्य भी कहते हैं। सो अयोग्य मतलब जिसमें, योग मतलब जुड़ना अपने सोल के साथ, अपने आत्मा के साथ जुड़ना, मतलब अपने आत्मा के बारे में अवेयर होना, यह है योग। अयोग्य कर्म मतलब जिस कर्म से आप आत्मा से जुड़े नहीं जा सकते हो, मतलब अपने शरीर को और अपने मन को ज्यादा प्राधान्य देते हो, और वो देते हुए जो कर्म होता है वो होता है अयोग्य कर्म। और योग्य कर्म मतलब जिस कर्म के करने से आप जुड़े रहते हो अपने आत्मा के साथ, आत्मा की जो आ, आ, भावना है, मतलब आत्मा का जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में जब आप अवेयर रहकर कर्म करते हो वो होता है योग्य कर्म। तो जब ये योग्य कर्म करते हैं तब अपने आप ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते हैं जिससे आपको लाभ होगा इसलिए आप ज्यादा मोटिवेटेड हो, या फिर मिल नहीं रहा इसलिए डिमोटिवेट होके छोड़ दिया है, ऐसे आप नहीं करोगे। और ये कब होगा, मतलब ये करने के लिए क्या आवश्यक है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, और जो कर्म हम कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, मतलब किसी भी फल की अपेक्षा के बिना, किसी भी रिजल्ट के कर्म हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मोटिवेटेड रहना ये करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा, हम क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ज्यादा कुशलता लगती है, ये स्किल है। और ये स्किल जिसके पास है, ओके, वो व्यक्ति क्या करता है जब उसकी बुद्धि को सेंसेस में लाता है कि मेरी बुद्धि क्या काम कर रही है, मेरी बुद्धि अगर मुझे, मैं कौन हूँ, इस मार्ग पर लेके जा रही है, तब वो व्यक्ति योग के मार्ग पर है, योग्य मार्ग पर है, ज्ञान के मार्ग पर है, पुण्य के मार्ग पर है। जब बुद्धि इसके विपरीत काम करेगी तब व्यक्ति, मनुष्य अज्ञान के मार्ग पर होगा, अयोग्य मार्ग पर होगा। सो योग जो है उसको साधने के लिए बुद्धि का प्रयोग ठीक से होना ये जरूरी है। और आगे जो श्लोक, हम दूसरे अध्याय के आगे जो श्लोक है उसमें हम बुद्धि का उपयोग कैसे, हम सीनिंग से आगे, मतलब सीनिंग से जुदा होकर करें, मतलब किस किस प्रकार से पाप से बचे, किस प्रकार पुण्य के मार्ग पर हम काम करें, ये बुद्धि का प्रयोग करने का तरीका भी कृष्ण ने आगे बताया है, जो कि हम अगले फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में लेंगे। देखिए, इसके साथ मुझे अगेन महाभारत की ही कथा याद आ रही है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा शरीर जो है, मेरा जो भावनिक, जो मेरा विश्व है, उसको ही प्राधान्य देना, उसके साथ जो घटनाएं होती है उसको फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखकर सुख हो या दुख ऐसे बोलना, ये जब होता है तब व्यक्ति की हालत क्या होती है? जैसे शंतनु राजा की कहानी हमने पहले एपिसोड में सुनी थी, गीता के पहले एपिसोड में, कि शंतनु राजा ने पहले गंगा के साथ विवाह किया, फिर गंगा ने उसे त्याग दिया, भीष्म जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ली, सॉरी, भीष्म को उन्होंने उसके साथ छोड़ा, राजा के साथ छोड़ा। और जब सत्यवती के साथ शंतनु ने वापस विवाह किया तभी भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो बेसिकली ये प्रतिज्ञा भीष्म ने क्यों ली, क्योंकि सत्यवती जो थी उसकी कंडीशन थी शंतनु राजा के साथ कि मेरा पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, ये उसकी कंडीशन थी, उसकी शर्त थी, मतलब उसकी जो एक शारीरिक या फिर भावनिक जो इच्छाएं है उसको प्राधान्य देने की जो उसकी टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, उसकी वजह से उसने ये शर्त राजा को दी। शंतनु ने हाँ कहा,
फिर आगे जाकर क्या हुआ कि उसे दो लड़के हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। तो चित्रांगद जो है ये एक यक्ष के साथ लड़ते हुए उसका देहांत हो गया, और विचित्र वीर्य जो है वो भी राजा हुआ, वो गद्दी पर बैठा। लेकिन उसका जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था। उसके लिए जो राजकन्याएं बुलाई गई, वो उनके साथ भी, मतलब उनके साथ भी उसने संसार किया, लेकिन उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अंबिका और अंबालिका के साथ भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, और कुछ सालों में किसी डिसीज की वजह से उसका देहांत हो गया, उसका निधन हो गया। इसीलिए सत्यवती ने अपने व्यास नाम के जो पुत्र है, उनके सत्यवती के ही पुत्र है, व्यास मुनि जो है सत्यवती के ही पुत्र है, ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र है व्यास मुनि, उस उनको बुलाया और उनसे नियोग के रूप में प्रोजनी, या फिर हमारा वंश बढ़ाने के लिए उसने कोशिश की। और तभी जो पुत्र उन्हें हुए वो एक था वो एक था धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधा था। दूसरा पुत्र था पंडु, जो कि जन्म से ही जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो थी। ऐसे दो पुत्र उन्हें मिले जो कि राज्य पर नहीं बैठ पाए, या फिर धृतराष्ट्र जो राज्य पर बैठा उसने किस दिशा में पूरे राज्य को लेकर गया, कुल का विनाश करने के लिए वो उसने सब निर्णय लिए, और उसी प्रकार उसने आगे राज्य को चलाया। ये देखकर सत्यवती को भी बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मेरी जो जिद थी कि मेरे पुत्र को ही राज पद मिलना चाहिए, उसकी वजह से आज ये दुखी दिन पूरे राज्य के लिए, या फिर दुखी काल, मैं अधःपतन पूरे राज्य का मैं देख रही हूँ। ये उसे बाद में रियलाइज हुआ, और फिर बाद में वो वन में चली गई तपस्या के लिए, वानप्रस्थ आश्रम लेकर। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उसका जो दुर्योधन जो है, उसका जो ग्रैंडसन है दुर्योधन, उसने भी इसी प्रकार अपने बुद्धि का वापर केवल स्वार्थ के लिए किया। जैसे जब महाभारत का युद्ध घोषित हुआ और कृष्ण आया था मिलने के लिए, सॉरी कृष्ण को मिलने के लिए धृतराष्ट्र, सॉरी दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी गए। उसकी मतलब जब वो देख रहे थे कि हमारे बाजू में से कौन से राजा हमारे साइड में आ रहे हैं और हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, ये जब सब चल रहा था, युद्ध नीति जब चल रही थी, तब दोनों भी कृष्ण को मिलने गए, अर्जुन और दुर्योधन भी। दोनों भी एक ही वंश के राजपुत्र थे, मतलब उनके माँ बाप सेम थे, मतलब दोनों सिमिलर लेवल के इंटेलेक्चुअल, सिमिलर लेवल का उनका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड भी। लेकिन कृष्ण ने जब ऑप्शन दिया कि या तो मैं अकेला किसी, मतलब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक है जिसमें मैं केवल मैं रहूंगा, और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मेरी पूरी सेना जो है वो मैं दे सकता हूँ, ये दो ऑप्शंस है। तब धृतराष्ट्र ने कृष्ण को नहीं चुना, उसने उसकी सेना को चुना। सो उसकी बुद्धि तब कर्मण्येवाधिकारः से, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो अटैच थी अपने सुख के लिए, अपने विजय के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने कीर्ति के लिए उसकी बुद्धि अटैच थी, और उसी प्रकार से काम करी थी। इसीलिए उसने सेना को चुना, कृष्ण को नहीं चुना, और इसका परिणाम हमने आगे देखा ही क्या हुआ युद्ध में, ये सब लोग जानते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, जो भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी परिवार के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, जो हमारा लगन है, जो हमारी आसक्ति है कि ये मुझे चाहिए, ये आसक्ति हमें, ये भोगेश्वर प्रसक्तानांतया परुत चेतसाम, ये जो आसक्ति है ये हमको, हमारे बुद्धि को सोचने से दूर रखती है कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, और उसकी वजह से हम अटकते जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो हमारा लड़का है, लड़की है, इत्यादि इत्यादि, उनके कुछ कर्मों से मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे दुख पहुंचा है। क्यों दुख पहुंचा है? क्योंकि आप उनसे दूर नहीं हो, आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, और इसीलिए आप जो भी कर्म कर रहे हो
उनके बारे में जो आप राग व्यक्त कर रहे हो, उनके बारे में जो आप निराशा व्यक्त कर रहे हो, आप बार बार वही दुख को वापिस वापिस अनुभव कर रहे हो, तो क्या आप करेक्ट कर रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड, आसक्ति मतलब चाहे सुख के प्रति हो या दुख दुखद घटना के प्रति हो, दोनों भी आसक्ति ही है, दोनों भी अटैचमेंट ही है। अगर डिटैचमेंट है, अनासक्ति है, तो वो आनंद है। मतलब किसी भी घटना से आप दुखी नहीं हो सकते हैं, या फिर आप इतने भी हर्षित नहीं हो सकते हैं कि आपकी आपका अहंकार बढ़ जाए। लेकिन इसलिए हमारे बुद्धि को हमें करेक्ट रास्ते पर लाना चाहिए। मैं हाल ही में यूरोप ट्रिप गई थी, वहां का एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। जैसे मेरा लड़का है, तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम्हारे फाइनेंसेस तुमको मालूम है क्या, इत्यादि इत्यादि। सो आई थॉट कि अरे मेरा लड़का इतना बड़ा हो गया कि मुझसे ऐसी बात कर रहा है कि मुझे मालूम कर लेना चाहिए कि मेरा फाइनेंसेस कैसा है, वो मैं कैसे मैनेज करूंगी ये वो। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि भगवान है, वो सब कुछ मेरे लिए प्रोवाइड करेगा ही। उसको तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसे लगा कुछ क्षणों के लिए कि यार ये सच्ची बोल रहा है, कि मैं तो इतना सोचा भी नहीं है मैंने कि मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी है। लेकिन उसके बाद जब मेडिटेशन कर रही थी, तभी कृष्णा आया मेरे मेडिटेशन, उसने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, सो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, दैट इज ऑल, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हो। उसके बाद मैं शांत हुई। तो बेसिकली मुझे ऐसे कहना है कि आप किसी भी लेवल पे हो स्पिरिचुअलिटी के, आपको हमेशा यह याद रखना पड़ता है कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, क्या ये निष्काम कर्म कर रही हूँ, या मेरा कर्म जो है ये भय के अंदर है, मतलब भय के भय से कि भविष्य में मुझे चाहे ये नहीं मिलेगा, सो अभी से सब प्रोवाइड कर लो। देखो पैसे की एक यूटिलिटी होती है, लेकिन उसके आगे उसका महत्व खत्म हो जाता है। सो उसके लिए रोते बैठना, उसके बारे में सोच के दुखी होना, ये अटैचमेंट है। ओके, और बिकॉज मेरे लड़के ने कहा मुझे वो ज्यादा एक्चुअली लगा मेरे दिल को, सो मेरा कहीं ना कहीं अटैचमेंट मेरे लड़के के साथ भी है, जो मुझे दुख की तरफ कहीं ना कहीं मेरे साधना में कहीं ना कहीं वो उस क्षणों के लिए बाधा बन गया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं आपको संसार छोड़ के चले जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सरेंडर की भावना में जाना है। और वो कैसे जाना है, हमारे बुद्धि को कैसे हमको मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तत्पर बनाना है, कैसे उसे एक्टिवेट करना है, इसका रास्ता भी कृष्ण ने दूसरे अध्याय में आगे बताया है, जो कि हम सुनेंगे अगले हमारे फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में। तो इसी के साथ हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे, और उससे पहले एक प्यारा सा गाना, जो कि हमारे मन में, जैसे मेरे मन में तो ये गाना हमेशा कृष्णा के तरफ जाने की एक क्या बोलते हैं उसको, मराठी में हम उसको तड़मा कहते हैं, ये उत्पन्न करता है, वो गाना हम लेंगे और उसके बाद मेडिटेशन भी होगा। सो एवरीवन जस्ट गेट रेडी फॉर मेडिटेशन। और ये गाना काफी पॉपुलर है, अगर आप गा सकते तो मेरे साथ गाइए। हम्म।